हेलो दोस्तों, शिव साई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टू वे स्विच के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और करके दिखाऊंगा। ये टू वे स्विच के कनेक्शन बहुत ही काम के कनेक्शन हैं। इसे हम सीडीओ में भी इस्तेमाल करते हैं और दो जगह से मोटर चलाने के लिए भी ये बहुत ही काम आते हैं। दोस्तों, ये हम अपनी सुविधा के अनुसार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और करते हैं टू वे स्विच के कनेक्शन। दोस्तों, वैसे तो ये कई तरीके से हम इन कनेक्शन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो तरीका है वो बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने दो टू वे स्विच ले लिए हैं और ये एक बल्ब लिया है, एक होल्डर लिया है और कुछ हमने वायर के ये टुकड़े लिए हैं। देखिए, चलिए ये वायर के टुकड़े पहले इनको जॉइंट कर लेते हैं। ये ऊपर वाले जो पॉइंट है टू वे स्विच के, एक वायर हम यहाँ ऊपर लगाएंगे ऊपर वाले पॉइंट पर और दूसरा टुकड़ा ये नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। करते हैं कनेक्ट। देखिए, पहले एक स्विच में ऊपर वाले पॉइंट में हम ये सिरा लगा लेते हैं और ये हमने टाइट कर दिया है और फिर ये दूसरे वाले स्विच के भी ऊपर वाले पॉइंट पर ये दूसरा सिरा ये टाइट कर दिया और ये देखिए, और नीचे वाले में भी ऐसे ही ये वायर का टुकड़ा नीचे वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे। एक सिरा पहले वाले स्विच पे और दूसरा सिरा दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं दोनों वायर और अब ये हमने एक ब्लैक वायर लिए है, ये पहले वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगानी है। देखिए, ये हमने पहले वाले स्विच के सेंटर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दी है, ये देखिए दोस्तों। और एक ये हमने रेड वाली वायर ली है, ये दूसरे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में यानी कि बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और ये जो वायर हमने रेड वाली ली है, इसको हम फेस बनाएंगे जिसमें हम ये करंट देंगे और ये दूसरी जो वायर ब्लैक वाली है ये हम होल्डर में लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, और एक ब्लैक वाली वायर हमने और ली है जो कि हम वो भी होल्डर में लगाएंगे दूसरे पॉइंट पर। और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये हमने न्यूट्रल के लिए ली है और ये हमने होल्डर में टाइट कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये हम टाइट कर रहे हैं और ये जो हमने पहले छोड़ी थी ये होल्डर के दूसरे पॉइंट पर हम लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और बिजली का काम है, थोड़ा आप ध्यान से करिएगा और सावधानी पूर्वक। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सही से सेट करके इसको रख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि कौन सी वायर हमने कहाँ लगाई है। बिल्कुल खुला खुला एकदम मैंने ये सर्किट तैयार किया है जो कि बिल्कुल आसान है। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो दोनों स्विच हैं, दोनों ऊपर के सिरे पर हमने एक एक वायर जॉइंट कर दी है। ये देखिए, ये रेड वाली जो वायर है ये हमारी फेस है जिसमें कि हम करंट देंगे और ये ब्लैक वाली वायर है ये हमारी न्यूट्रल है जो हम ठंडी भी बोलते हैं। और ये जो होल्डर से निकली हुई है ये ब्लैक, ये हमने बनाई है हाफ और ये
स्विच के सेंटर में लगाइए। चलिए बल्ब लगाते हैं और लगाते हैं बोर्ड में वायर को और टेस्ट करते हैं। हम ऑन करते हैं, देखिए दोस्तों अभी बल्ब जल गया है और ये हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा इसको पलट लेते हैं दोस्तों, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि सावधानी पूर्वक ये करना, करंट का काम है। और देखिए ये जहाँ से भी जलाओ, कहीं से भी बंद करो, आप इसको ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।